राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है, सही टाइम तो मैंने नहीं देखा था कितना हुआ है, पर बाहर अभी अंधेरा है। तो आज हम जल्दी उठ गए थे, वरना लेट ही उठते हैं भाई। कभी उठ तो क्या पता जल्दी जाएं, लेकिन ये है कि भाई काम लेट लगते हैं, कई बार 7 बज जाते हैं, कई बार 7:30 भी हो जाते हैं। लेकिन आज मैं जल्दी लग गई थी अपने काम पे, तो चाय हमने पी ली थी। और अभी मैं यहाँ पे जो आलू हैं वो काट करके उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज बनाने हैं आलू के पराठे। सब्जी का ना ही तो मन था, और फिर ये था कि आलू के पराठे जल्दी भी बन जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दबाजी है। और पानी मैंने जो केटले में गर्म किया था ना, वही डाल दिया था, क्योंकि फिर जल्दी उबल जाते हैं उससे। और अब दोबारा से पानी गर्म होना लगा दिया है, क्योंकि ना रात में कल हमने बर्तन साफ नहीं किए थे। यही होता है, बच्चे के साथ भी बैठ जाते हैं ले करके, और फिर थोड़ा आलसा हो जाता है ज़्यादा लेट हो जाए तो यहाँ पे पानी गर्म करके और फिर जो बर्तन है वो धोऊंगी। तब तक जो टोकरे में बर्तन रखे थे वो भी लगा दूंगी। और ज़्यादा तो ये था कि भाई जो दूध लस्सी है ना वो लेकर के आने हैं, और मतलब जल्दी ले आते हैं। तो गर्म पानी से ये है कि बर्तन जल्दी भी साफ़ हो जाते हैं और साफ़ भी अच्छे से हो जाते हैं, वरना तो फिर थोड़ा बहुत चिकना पड़ना रह ही जाता है। खासकर से अब जैसे जैसे ठंड आनी शुरू हो जाएगी, गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने साबुन लगा करके एक सिंक में डाल दिए थे, और बस अब दो दो करके टोकरे में रख दूंगी। और ये पालना आया था कल गुड़िया का, ये यहीं पे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो उठा कर मैं संदूक पे रख दूँ, क्योंकि क्या पता कब डाला जाएगा। रस्सी तो ले आया था अमित, और यहाँ पे अभी ये जो पल्ली है उसकी भी तय करके रख दूँगी। पहले तो ना यही पालने आते थे, अब वो वैसे वाले आने लग गए, लेकिन ना उनमें बच्चा सही से झूल नहीं पाता। हमने तो आराध्या का आया था पीढ़िए में, जय का मैंने मंगवाया नहीं, मना कर दिया था, कुछ और मंगवा लिया था उसकी जगह पे, तो बिल्कुल भी नहीं झूली आराध्या उसमें। मतलब मुझे ज़्यादा वो यूजफुल नहीं लगा। इसमें ये है कि भाई लोभी है खुली, और इसमें आराम से झूल लेगी, जैसे भी रसोई में काम करते टाइम पे भी बच्चे का थोड़ा सा हाथ मार दे आंदा जांदा है ना, या फिर जैसे झाड़ू पोछा करते टाइम भी ज़्यादातर काम यहीं पे होता है। तो ये है कि काम भी बन जाएगा और साथ में बच्चा भी सो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आलू उबड़ने के लिए रखे थे वो उबड़ चुके थे, ठंडे भी हो गए थे, अब इनको छील करके और जो आटा है वो लगा लूँगी। तो आटा लगा दिया था, और गुड़िया मैंने इस जो टाइम पर लोग ले ली कह रहे थी, हैं क्योंकि भाई इसकी माँ जो इसके कपड़े हैं वो धो रही थी, तो इस टाइम पे एक बार मेरी ड्यूटी लग गया करे। अमित यहाँ पे ये जो घास सी जाम रही थी ना, वह पड़न लाग रहा है, मतलब यहाँ जो बाहर वाला एरिया है इसकी सफाई कर दी थी। तो इवरी तू ने अपने उसके जो कपड़े हैं वो धो के सुखा दिए थे, और अमित लग गया था नान, रितु इबे गुड़िया ने तैयार करने लाग रही थी। तो एक साइड मैंने चाय रख दी थी, और दूसरी साइड जो साथ साथ में पराठे हैं वो उतार दूंगी, बस उसके बाद ये खा लेंगे। और फिर नहा धो के इन्हें जाना था आज हॉस्पिटल में। जाना रे पर्स पर्स को लफाफा भी लफाफा नहीं, इस पर्स में टेक लिए हाँ गाल लिए सारे कपड़े का और बेटा, डायपर गल लिया है। हाँ थोड़ी सी देर में से अबू का जीरो बनाने लग गए हैं, और है मेरा तो ऑर्डर नू हो रहा का दयाड़ा ही फिर कह दे कर लो एडमिट। आराम से करियो, आराम से बस तो यहाँ पे मेरे पापा लाग रहे थे बाहर वाला जो एरिया है इसकी खुदाई करन, क्योंकि इसमें जो सब्जी है ना वो लगा देवांगे। और बस मैंने वही पूछू थी मैं पराठे खा लोगे के, पर ये इसी सी चीज़ खाया को नहीं कर, मना कर दिया कि मेरे लिए तो जो रोटी है ना वो बना दी, पराठे को नहीं खाऊं। तो इस टाइम पे 9 बज गए हैं पूरे, अभी प्रीतु चले गए हैं हॉस्पिटल में, और ये मैं बनाऊंगी अपना खातर परौंठे, या फिर देखूंगी यो बच रहा हो ये खा लूंगी, और जो चाय है वो गर्म करके वो पीऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे फिर मैंने छोरी ले ली थी, तो फिर मैं कहा चल मैं गर्म में खा लूँ, क्योंकि ठंडा मेरे पे फिर खाया बन जाएगा। और फिर करूंगी वीडियो एडिट, और उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन और स्लेट, 4 काम रह रहे हैं वे करने हैं। और आज सोचू मैं मामू और कहने भी जाए आऊँ, क्योंकि कल ना तो फिर कपड़े धोने पड़ेंगे रोर, और शाम ने फिर ऋतु का जो गूंद है वो भी गलवाना है, तो इस करके।
तो अपना खाना पीना खा के फिर मैंने बनाई पापा खातर रोटी, और उसके बाद फिर लागी थी मैं वीडियो की एडिटिंग करन। आज मेरा यू था कि काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं वीडियो एडिट करूँगी ताकि टाइम पर चला जाए। तो वीडियो एडिट होया ही था, मतलब सेव करन को नहीं पाई थी या चेक को नहीं कराया था, क्योंकि मैं ना 2-3 बार वीडियो ने चेक करा करूँ भाई, कुछ भी इसी मिस्टेक हो जाए फिर खाम खाई में उसका पछतावा हुआ है। तो उसी टाइम पे फिर मामी बड़ी आ गई थी, हम बैठे रहे कम से कम 1.5 घंटे के करीब, और फिर मामी के जाने के बाद मैंने वीडियो चेक करी, फिर वीडियो सेव पर लगाई, और उसके बाद फिर फ़ोन हम यूज नहीं कर सकते उस टाइम में। तब तक मैंने जो बाहर वाला एरिया है और बैठक है वो साफ़ कर दी थी, वहाँ पे झाड़ू लगाई आई थी, और एक काम और कराया था, केक कराया था, ये भी याद को नहीं मेरा। अब यहाँ पे जो अंदर झाड़ू लगा दूंगी, और इस टाइम पे यो करीब 2 बजे के आसपास का टाइम हो गया है जिस टाइम पे मैं झाड़ू लगाने लग रही हूँ, क्योंकि वीडियो में बहुत सारा टाइम लग गया। फिर मैंने बताया था आपते मामी आ गई, फिर वो ये बार बार वीडियो देखनी, अपलोड करनी, फिर उसके टाइटल थंबनेल, तो बहुत सारा टाइम लग जावा है। तो ई फटाफट तक जो सारा झाड़ू है वो लगा दूंगी, उसके बाद इतना जो चाय है वो बन जाएगी, चाय पीऊँगी। और यहाँ पर हमारी जो गैस है ना, पता नहीं अजीब सी आवाज़ कर रही थी, तो बस मैंने वही चेक करूँ थी, मैं कहा सिलेंडर तो नहीं ख़त्म हो गया है। तो बस ये मैं जो बाहर है वो भी झाड़ू लगा दूंगी, और उसके बाद मैंने कराया था रितु के पास में फ़ोन, मैं वही के बोले डॉक्टर, क्योंकि मेरे तो बस वो ही डर हो रहा था कहीं एडमिट ना कर ले मैं, क्योंकि डर भी साची हो रहा है कितने दिन में तो ईव आए हैं, और बस छुट्टी देते देते भी उन्हें कितना टाइम लगा दिया। एक बार तो वो पहले छुट्टी देने की कहे थे, फिर दिक्कत होगी, फिर वो सर्जरी तो बाद में हुई है, और मैं देखो किसा टाइम दे दिया नहीं भगवान ने। लोग अपने त्योहारों की तैयारी करने लाग रहे हैं, इतने सारे त्यौहार आने लाग रहे हैं, और इन हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, त्योहारों का तो कोई चाहे को नहीं होता नो मैं भाई, बच्चा छोटा बीमार, फिर चलो ठीक ठाक हो उसमें तो कुछ नहीं हो जाए, सारी चीज़ एडजस्ट ऐसा कुछ नहीं होता, मन खुश होना चाहिए, फिर तुझे काम भी कितना है और बच्चा भी छोटा, वो सारी चीज़ एडजस्ट हो जाए अगर। पर जब दिक्कत हो ना तो फिर को नहीं, मतलब बिना मन खुश होए तो कुछ कर भी नहीं सकते, चाहे बेच सकते टाइम भी हो हमारे पास। तो ईबा बोली कि दीदी एक डॉक्टर ने तो देख ली, सर्जन ने भी देख ली, ईब उसकी जो रिपोर्ट है ना वो आनी रह रही, मतलब जो टेस्ट हुए थे, और उसके बाद शाम ने डॉक्टर ने आओगी 5:30 बजे, और उसने दिखा के फिर आवाँगे। फिर मेरा थोड़ी सी नू तसल्ली हुई, मैं कहा चलो भी आ तो जावेंगे, क्योंकि डर तो बस मन में वो ही था। और यहाँ पे ही मैंने जो झाड़ू है सारा वो लगा दी थी, और जो स्लेप है वो भी साफ़ कर दी है अच्छे से, और जो पोचा है वो मतलब बर्तन है वो भी साफ़ कर दिए थे, बस जो पोचा है वो लगाना रहा था आज सारा अच्छे से, तो जी पोचा इस लगा टाइम दिया पे था। 4:46 हो गई है और मैं ना ली हूँ, 4 बजे काम बनया था, बस थोड़ी देर फिर रेस्ट करया, फोन देखने लगी, और इब ना आई हूँ, ना क्या है इब मैं जाऊँगी मामा और का है, क्योंकि एक तो मैं ना जब सूट लेके आई थी वाइट कलर का, भाई देखो जब बात कुछ और थी है ना, क्योंकि अपने बेरा आया सारी बातों का, लेकिन ये मन सोचे कि चलो उसके रुपये तो ना मैं ही दिया हूँ, क्योंकि हम देखो अमित के नाम का कपड़ा पड़वा ले आए थे, और वो कपड़ा मैं तब हमारे खुद के सूट को नहीं लाए थे, बस एक एक दो दो सूट हमने नू था, बच जाएगा तो ले लेंगे इन मत, वरना हमारे नुए थी भई हम अपनी पसंद का लेवांगे, बस तू रुपये दे दिए। लेकिन इब यो कपड़ा भी फट गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो इस करके हम सोचे भाई इसके नाम के तो हम ये सूट ले लेंगे, जो सूट हमने खुद ने ले रखे हैं जितने भी उनके हम खुद ही दे देंगे पैसे, ठीक है। तो इस करके मैंने कपड़ा वाली के जो रुपये हैं वो दे के आने हैं, क्योंकि 2 सूट हम ले आए थे आड़त है, मामी ने लेके जाऊंगी छोटी ने, अगर उसने टाइम होगा तो अकेली तो कोने जाऊँ, या फिर मामी ने रुपये दिया आऊँगी, मामी और तो जान दिए रहा मैं उसके, तो फिर मामी दिया होगी उसके रुपये, ठीक है। काम सारा बन गया है, अमित रितु का इबे कोई नहीं बेरा, क्योंकि शायद 5:30 बजे डॉक्टर नहीं आवेगी दोबारा, उस तो फिर मिल के आवेंगे, 2-3 डॉक्टर तो मिलना हुआ है, और टेस्ट वगैरह भी हुए हैं गुड़िया के, तो इस करके मैं तो शाम तक मतलब लेट तक आवेंगे, और काम मेरा सारा बन गया है, बस बाहर का जो बाथरूम है ना वो धोना रह गया, क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा आवा था, तो फिर मन सोचे कि कदे वही बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ईब लाइट आओगी, ईब चलवाऊंगी मोटर, शायद सवेरे कम चढ़ाया चढ़वाया तो था सवेरे भी, तो चलो और चाय पीऊँगी मैं मामी ये दौरा जाके, बस इब गुड़िया के जो ये गुदड़ी और कपड़े हैं वो उतार जाऊँ, क्योंकि फिर आऊँगी नहीं उस टाइम लग के बिरा दे रहा हो जाए, और बच्चे के भाई असल में तो किसी के भी नहीं रखने चाहिए दे रहा हूँ यार, बच्चे के तो जमा ही नहीं रखने चाहिए बाहर, तो इस करके उसके कपड़े रख जाऊंगी, पूरा घर साफ कर दिया है,
ये देखो अच्छे से सारा बढ़िया तरीके से इसमें ऋतु का सामान रखे भी, इसका गूंद गलवाना है। आजकल आजकल में भी 2-3 दिन निकल गए, ये देखो। ठीक है, किचन भी सारी साफ कर दी है उन्हें, स्लेब वगैरह बढ़िया साबुन तो साफ करके और फिर कर दी थी। सिंक वगैरह सारे बर्तन साफ करके रख दिए हैं, बस शाम का जो रोटी सब्जी है ना वो रह गया। तो चलो मैं मेरे वहाँ मोर का जाऊँगा बाबू, ठीक है? आड़े रही एर जावा तो सारे कुआड़े बैठ के जाइए। मैं आई थी ना उस दिन, गई थी चोन पिसवान, देख लो कई दिन हो गए। मैं किसका था? अच्छा, मैं तो वहां उसका जाओगी ते सूट लेने वाली का ना उसी मना दे रखा मन पीछे ते कहने थे उसके हाँ सूट वाली की उसके। तो भाई मैं मामा का गेट में बढ़ूं थी और मामी निकल आई थी, बस मिल गई मन है, वरना मामी तो उधर निकल जाती क्योंकि अपना सूट सिलना दे रखे था, वो लेने जावे थी। तो फिर मामी बोली कि सीमा दूध दाढ़ी आवेंगे, मैंने कहा मामी प्लीज़ थोड़ी देर चल पड़ो, बस खड़े खड़े जाके आवांगे और फिर नून की नून सूट लेके और फिर घर आ जावांगे। तो यहाँ पे ही बम पहुँच गए थे, मतलब जिसके पीछे देने थे उनके, और एक दो जनी ने मतलब मेरे तो भी कही थी जो वाइट कलर का सूट मैंने डाला था ना रूबी के पिड़िए में उसका, कि मारा जरूर ले आइए। तो फिर मैं देखूँ थी इनका इसमें कौन कौन से कलर हैं, मैं वीडियो में दिखा दूँगी, जब पसंद होंगे तो भाई ले लेंगे और ना होंगे तो टाल कर देवेंगे। तो यहाँ पे ये तो वैसे सूट थे, एंड वर्क वाले भी मैं आपने दिखाऊँगी, वो ना बाद में मतलब कपड़ा लेके काम करवाए उड़ा है। सूट तो ये है मड़ा हर डिजाइन नून नून कर दे और के चीज़ तो आ जाए जा। अच्छा ये कढ़ाई करवाई दे वो मांग गए थे एक दिन सूट मेरा वर्गा, फिर मैंने पोती भी रंग भेज दूंगी। बेरा इतना तो वो थोड़ा सुथरा लग था ना, ये और रंग सुथरे लागन लग गए और उस दिन लगा था सारे हम जनों ये सही है ना, यो भी खिल रहा था। मैं देखिए सही सूट है, ये भी सुथरा है, ये थोड़ी सी अलग चीज हो जाए है, नहीं फिर मैं ही आए जा है। ₹2750 ना रेट तो ठीक है, कपड़ा चुन्नी जिस हिसाब से नहीं और जो काम हो रहा है दादी नानी भी तरवड़ रही है दिखान। ये ग्रह में तो बनवाए उड़े था है ना, एक ग्रीन कलर है एक पर्पल कलर है, सूट तो सुथरे ले रही खरी है। एक यो कलर है और एक यू है पिंक, एक यू मैरून है, यो देखे लिया, एक यू है पिंक वाला,
बाकी ये इसे इसे सूट भी बहुत चल रहे हैं। चप्पल पैर गई, किसकी पैर गई? सेम थी रंग। फिर क्यों कड़ा कौन सा है? मम्मी यो वाला सुतनर लग गया ना। मैंने तो यही लग गया, देखो दो छह वाला साइज ले आपने लेने। सो के दे दे दो जोड़ी कर दे, एक के साइज हो गई बस है। तू ले ले तेरा दो दो अलग अलग साइज। फिर ये दो आठ है, दो आठ देख मिला के देख इनकी पर्ची लिख रखे है। ये दो छह ना लिख तो रखा है लेकिन अपनी सुननी जा रही है इनकी पर्ची। सेम साइज हूँ तो कि मैंने फर्क यो को नहीं अच्छा लग गया। अच्छा मामी पर यो ज्यादा वो हो रहा है ना, यो ज्यादा सुंदर लग गया। मल्टी वाले कड़ा दो दूसरी उड़ता हो दूसरी तो एक जने का खेल क्या दो जने होंगे जब खेल लेंगे। या किसा दूध दे क्या होती पकड़ाया ही किसने पकड़ाया ही? अच्छा मैं लगा देखा होगी कितने ढीलो है तू। छोटी बेबी ने भी देखने को नहीं आंदा है खेलना ए बेबे। ये मेरा मामन है जड़ तो काट रहे हैं है। उसे दिन दुखा थी आज लाए थे आज सूख रहे हैं कुकर सूखे ये देखिए नए पत्ते काट देंगे भी ये। यहाँ पे मेरी सर्टी बुनन लाग रही हूँ मैं। मामा का पड़ी थी और मैं ठा ले फिर ये पड़ी थी उनके। माँ कई दिन हो गए खाए देखांगे खा के किसी लगेगी पुरानी यादें ताजा होगी। किस किस ने खाई हो रही है सरटी बोल के बताइए। और हमारे तो वही इस टाइम पे ही आ गए थे बस 10 मिनट हो जाऊंगी मैं ना आई ने बस आगे सरटी बुननी थी खाने लग गई थी मैं इतना पहुंच गए थे। मामा कहते मैंने फ़ोन कराया था उस टाइम यूँ कहते हैं आसी पहुँचने वाले हाँ तो फिर उसी हिसाब से मैं आई थी। और रितु कहने लग गई थी कि दीदी आज ये सारा दिन की सुती है। मैं कहा फिर आज सारा दिन गोड्या में थी गोड्या में तो यह सो गई है बोले आज सारी रात दुखी करेगी मैं देखी जाएगी। बाकी जैसे मैं फर्स्ट दिन आई थी ना उस दिन ज़्यादा रो रही थी डेली का फ़र्क ही पड़ता जा रहा था भी बच्चे नू तो थोड़ा बहुत रोया करें तीन एक बिन्ने तो रोएंगे बाकी नू को नहीं भी बिल्कुल कारे बन्ने हो जाया करें नहीं मतलब रोने लगे पीछे हटा ही को नहीं नू को नहीं चुप हो जाया गोड्या में लेंदे नहीं। कई बच्चे तो इसे होया करें कुछ भी कर लो मैं रोन लगे ना तो मैं हटाए को नहीं करें क्योंकि जय भी उन्होंने मैं एक था यू रोया करता कई कई देर तक बहुत मतलब जब मैं बस रात ना तो जरूर 2-3 घंटे तो जरूर जागया करता और उसमें यो रोए ही जाया करता चाहे कुछ भी कर लेंदे। तो बस ही अपने आगे हैं दवाई दवाई समझा देगा मैं खाज फिर बांध लिया है पांडे दवाइयाँ की तो यो तो भाई लंबा चलेगा इनका। और यो ही था आज का व्लॉग फिर मिलूँगी मैं अपने अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।